हेलो एवरीवन वन वेलकम टू दिस न्यू सेशन वेर इन वी विल कंटिन्यू विद जी एस वन मेन्स पेपर डिस्कशन अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज़ फॉर द इंडियन सोसाइटी विच इज़ पार्ट वन ऑफ द सेगमेंट बेसिक आइडिया क्या है कि हमको सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकॉड करना है ठीक है अब आपको लगेगा मैम ये कैसी एक्सरसाइज करा रहे हो ये एक्सरसाइज एक्चुअली में बिगनर्स के लिए है और इन फैक्ट समबडी who बिन इन टू दिस प्रेपरेशन कुछ सालों से भी उनको भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये जो सिलेबस यूपीएससी एक एक लाइन के देती है जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए ये पूरा जी वन का सिलेबस है एक एक लाइन दिया हुआ है एक एक लाइन दिया हुआ है ना अब क्या आपको इसको डिकोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू प्रिपेयर फॉर सम पेपर जैसे ये ढाई सौ नंबर का पेपर है आप क्या इस सिलेबस को बिना डिकोड किए आगे कंप्लीट कर पाओगे तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि इन्होंने अगर एक एक शब्द जो इसमें लिखा है वो क्यों लिखा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है किस पर्पस को यूज करते हुए लिखा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे और विद द हेल्प ऑफ अगर मैं आपको अटैच करके दिखाऊं तो हमने हर पर्टिकुलर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी तक है 2022 क्योंकि अगले महीने आपका 2023 का भी पेपर हो जाएगा 15 सितंबर से तो आप उसके टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर लेना लेकिन अभी के लिए जो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं वो तो यही है भाई कि हर एक सिलेबस के कीवर्ड को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो थीम्स निकल के आ रहे हैं उसको डिकोड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वेरी क्विकली इफ़ आई ऑल्सो टेल यू कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर जो कि पाथ फाइंडर का यूट्यूब चैनल है मेरा नाम है अर्पिता प्रकाश और मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं ये अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप ये प्लेलिस्ट ठीक है का न जो नाम है वो देख लेंगे विच इज़ सिलेबस एंड पी वाई क्यू रिकॉर्डिंग फॉर जनरल स्टडीज़ मेन्स पेपर आप इस प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ आपको दिखेगा कि जी एस वन में हमने आर्ट एंड कल्चर ठीक है ऑलरेडी कर लिया है हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सारा आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं ये आर्ट एंड कल्चर है ये आर्ट एंड कल्चर है ये मॉडर्न हिस्ट्री है ये मॉडर्न हिस्ट्री है ठीक है फिर हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये पूरा उसमें कवर कर लिया था और हमने जोग्राफी कर ली है पार्ट वन एंड पार्ट टू तो बेसिकली जी एस वन में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री एंड जोग्राफी हमने कर लिया सोसाइटी बाकी है जिसको मैं अब यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ इन द पी वाई क्यू एंड द सिलेबस डिकोडिंग मेथड ठीक है इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ क्योंकि पाथ फाइंडर की टीम अभी देखो जैसे फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है और आपको अप टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ के डिस्काउंट से यहाँ मिल सकते हैं तो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान देंगे दैट अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हो इसकी फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हो तो वेरी क्विकली यू शुड इनरोल योर सेल्फ ठीक है लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है आप मैक्सिमम डिस्काउंट इज कोड अर्पिता को यूज करके अवेल कर सकते हो 900 हंड्रेड प्लस लाइव आवर्स यहाँ मिलेंगे प्रीलिम्स एंड मीन्स के टेस्ट पेपर्स मिलेंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा आंसर राइटिंग में नोट मेकिंग होगी एंड टॉपर्स की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं एंड ऑफ़ कोर्स आपको फ्री मेंस मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी बैच में मैं इस बैच में एंशंट और मिडियवल हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ एन बैच में मैं हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी की पूरी कवरेज करा रही हूँ और हमारे साथ और फैकल्टीज़ हैं जो कि सिक्स टू ट्वेल्व की डिफरेंट एन को कवर करेंगे प्लीज़ आप ध्यान देंगे ये बैचेस अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुई हैं प्लीज़ इसमें हिस्सेदारी लीजिए बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पर ये सारे कोर्सेज़ आपको अवेलेबल हैं ऊपर से फ्रीडम फेस्टिवल के वजह से ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ आपको वैसे ही मिल रहा है तो डिस्काउंट कोड आप अर्पता यूज़ करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो किसी को एन और जनरल स्टडीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए ठीक है आप अलग अलग नहीं लेना चाहते हो इसमें कॉस्ट भी कम पड़ जाता है तो आप वो पैकेज भी अवेल कर सकते हो कोड आपके लिए तब भी डिस्काउंट कोड सेम ही रहेगा अगर आप मान लो जी के साथ ऑप्शनल लेना चाहते हो आप तो भी कॉम्बो ले लो अगर आप सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहते हो आप सिर्फ ऑप्शनल भी ले सकते हो सो यू हैव गॉट ऑल ऑफ़ दीज ऑप्शन अवेलेबल आप इसको बिल्कुल अवेल करिए ये पूरी पाथ फाइंडर की टीम है जो आपकी क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लेंगी ठीक है एन की हमारी लिमिटेड फैकल्टी है क्योंकि एन में हम कुछ सब्जेक्ट्स कवर करते हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स बुक्स की होती हैं सिक्स टू ट्वेल्व की पूरी कवरेज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न कवर की जा रही है तो ये आप ध्यान रखेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पुराने सेगमेंट पे जो हमें यहाँ से प्रोसीड करना था विच इज़ अबाउट दी पार्ट वन ऑफ द इंडियन सोसाइटी जहाँ हम सिलेबस एंड पी वाई क्यूज को डिकोड करेंगे सबसे पहले तो ये देख लो कि इस पेपर टू विच इज़ योर जी एस वन जिसमें सोसाइटी आती है ये दिया कहाँ हुआ है देखो ये कहाँ दिया हुआ है इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ सोसाइटी वाला जो पोर्शन है ठीक है वो यहाँ से शुरू होता है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये जो चार टॉपिक्स हैं ये इंडियन सोसाइटी के हैं ठीक है ऊपर हिस्ट्री का है नीचे जोग्राफ़ी का है क्या क्या लिखा हुआ है सेलियन फीचर्स ऑफ सोसाइटी डाइवर्सिटी वीमेन पॉपुलेशन पोवर्टी अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सोशल एम्पावरमेंट कम्युनलिज्म रीजनलिज्म सेक्युलरिज्म अब इसको हम एक एक करके देखते हैं हम दो हिस्सों में इन वीडियोस को करेंगे दो हिस्सों में बेसिकली हम इस सिलेबस को डिकोड करेंगे पहला ये डिटेल आपका सिलेबस हो गया और अब हम साथ में देखेंगे कि यहाँ जो भी जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हैं और इन टॉपिक को हम बाइफकेट कैसे करते हैं तो पहला जो कि सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करता है तो हम पहले उसको ही समझते हैं अगर आपसे कहा जा रहा है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ध्यान से सुनो इंडियन सोसाइटी की कुछ ऐसी खास चीज़ें जो हैं स्पेशल फीचर्स हैं आप वो उसके बारे में बताएंगे और इंडिया की डाइवर्सिटी को लेके बताएंगे तो अगर अब हम इसको डी करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें समझ में आएगी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक तो जैसे नाम से ही समझेंगे कि ठीक है सेलियंट फीचर्स में जाना है तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बता दिए आप क्या क्या फीचर्स बता सकते हो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में कास्ट सिस्टम के बारे में बताया विच इज अ वेरी डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ठीक है आप बहुत सारे हमारे कल्चरल यूनिकनेस के बारे में बता सकते हो आप कल्चरल हारमोनी के बारे में भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो एक संगम हमें देखने को मिलता है इंडिजिनस और वेस्टर्न का एक काइंड ऑफ मिक्स देखने को मिलता है कल्चरल एमालगेमेशन देखने को मिलता है ये सारे टर्म्स आपके मेन्स आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं ठीक है ये हमने देखा अच्छा उसके अलावा हम जैसे मान लो हमने डाइवर्सिटी पे भी कास्ट की बात की हमने लैंग्वेज की बात की जो आपका वर्ड यहाँ पर जो यूज़ होता है दैट इज़ योर लिंग्विस्टिक ठीक है फीचर्स उसकी हमने बात की उसके अलावा हम देखेंगे मान लीजिए हमने सोशल रिलीजियस इश्यूज की बात की ठीक है हमने जब हमने कास्ट की हमने मान लीजिए रेस जो है एथनीसिटी हो गया ट्राइब हो गया इन सब मुद्दों पे भी बात की ये सब इसके सब टॉपिक्स बन सकते हैं अगर हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा जहां हम बात करते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी सॉरी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट को ये हम सब ने पढ़ा हुआ है बचपन से हम सब सुन रहे होते हैं तो हमें ये भी समझना है कि अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे जा रहे हैं तो क्या वो इतना सिंपल प्रोसेस होगा डेफिनेटली नहीं इसके वजह से हमें कुछ चैलेंजेस आएंगे जितना ये सुंदर सुनने में लग रहा है ठीक है कि हमें सब साथ रहना है सब यूनिटी होनी चाहिए हम एक डाइवर्स कंट्री में भी एक यूनाइटेड नेशन है सब कुछ है लेकिन हमारे इंटरनल चैलेंजेस क्वेश्चन इशूज़ आते हैं ना हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डील करते हैं ना जहाँ हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ठीक है जहाँ हम इनक्वालिटी की बात करते हैं राइट हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं हम इन इश्यूज से तो डील कर ही रहे हैं राइट right? हम अगर मल्टीपल डाइवर्सिटी में जाएंगे तो क्या हम एक प्लूरल सोसाइटी भी नहीं हैं बिल्कुल हैं हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं हमारे पास इन सब इश्यूज को लेके एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स होने चाहिए और जब हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास जिसको आप कह सकते हो केस स्टडीज़ होंगे हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेस से इसकी अगर कोई चैलेंज है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए और इन एग्ज़ाम्पल्स में आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हो विच कैन बी योर नेशनल एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल एग्जाम्पल अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आप इंटरलेट कर सकते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनेगा जहां हम पुरानी चीज़ों को लेकर के नए तरीके से इंटीग्रेट करके बनाएंगे सो दैट गिव्स यू अ वेरी ब्रॉडर पिक्चर ऑफ़ दिस पर्टिकुलर टर्म पर ये तो हो गया जहाँ हमने बात कर ली कि हम इसको डिकोड कैसे करेंगे अब आखिर यूपीएससी सवाल कैसे कैसे निकाल रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अब वो समझते हैं देखो 2022 का पहला क्वेश्चन है जहाँ वो कहते हैं गिव इन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया तो आपको की मिला डाइवर्सिटी की मिला ठीक है ट्राइबल कम्युनिटी की मिला In which specific context should शुड दे बी as a सिंगल कैटेगरी अब आप समझो क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो इतने सारे हमारे डाइवर्सिटी हैं वेरिएशंस हैं आखिर किस किस कॉन्टेक्स्ट में हम उनको एक सिंगल ग्रुपिंग मान सकते हैं एक सिंगल कैटेगरी मान सकते हैं तो आप ये समझो कि यहाँ पर हम सिर्फ सेपरेटली ट्राइब की बात नहीं कर रहे हैं विदिन द ट्राइब ऑल्सो जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है और फिर उसको हम कैसे एक सिंगल मान सकते हैं उसकी भी बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर एरिया कवर करता है इसीलिए आपको ट्राइबल कम्युनिटी बहुत डिटेल में कवर करनी होगी फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ़ द सोसाइटी यू कैन ऑल्सो डू दिस फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ़ द जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी के हिसाब से आप उसमें इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास अच्छे पॉइंटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे ठीक है तो आप जब इस तरह के पॉइंटर्स को इंटीग्रेट करते हैं जहाँ पर अगर हाफ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के एग्जांपल्स जोग्राफी के एग्जांपल्स इनको साथ में लेके चलते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने सोसाइटी वाले एंगल में इनको एक स्पेशल जगह दी है क्योंकि आपने जो एग्ज़ैम्पल्स लिए हैं वो आइसोलेटेड नहीं है वो साइलोज नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि वो हमने बस कहीं से एक रटा रटाया पैराग्राफ पढ़ लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया सो दैट इज वन थिंग अब देखो दूसरा ये वाला तो सेक्युलरिज्म पर है तो हम इस पर थोड़े देर में आएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी वीजा वी कास्ट रीजन एंड रिलीजन ठीक है अब यहाँ देखो आप इसको रिलीजन से रिलेट करोगे तो आप सेक्युलरिज्म में भी डाल सकते हो एल्स आप यहाँ पर भी समझ सकते हो आप कम्युनलिज्म से भी रिलेट कर सकते हो बट यहाँ पर जो बात हो रहा है कि ये जो डिफरेंट डोमेन्स uh, हमें कवर करने थे जिसकी हमने यहाँ पर बात भी की थी ठीक है इन सब पे बात की थी तो ये टॉपिक क्या होता है ये आपस में मल्टीपल टॉपिक्स के इंटरलिंकेजेस पे क्वेश्चन बनते हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्होंने सिलेबस में ये आपको चार टॉपिक दिया तो वो ऐसे एकदम सेपरेट सेपरेट उठा के ही पूछेंगे दे माइंड गिव यू सम इंटर टॉपिक कि आपने एक से दूसरे को इंटरलिंक करके ही जवाब दिया है यहाँ पर ठीक है सो दैट्स वन थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर अच्छा उसके बाद और अगर हम क्वेश्चंस देखें अभी हम और बढ़ेंगे दैट वाज जस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन अब जैसे देखो यहाँ पे कह कह रहे हैं फिर से देखो ट्राइबल्स पे क्वेश्चन आया है आपको दिख रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ये दोनों ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है इन्होंने फिर से बोला एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम वेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड द कल्चरल सिस्टम तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ट्राइबल नॉलेज सिस्टम यूजुअल जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में सिस्टम चलता है उससे कैसे अलग है तो फिर से हमने डाइवर्सिटी की बात कर दी ना एक स्पेसिफिक ग्रुपिंग को एक जनरल पर्सपेक्टिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया सवाल बन जाता है कि अगर हमें वो इंटीग्रेशन ही नहीं पता है अगर हमें वो वेरिएशनस ही नहीं पता है तो फिर हम कैसे रिलेट करेंगे तो ट्राइबल ग्रुपिंग आपको सिर्फ एक तरीके से नहीं जैसे यहाँ हमने जो क्वेश्चन में देखा था आपको सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़नी है आपको उनको मल्टीपल एंगल्स कंपैरेटिव एंगल के साथ लेके पढ़ना है ठीक है तो अब समझ लो ट्राइब कितना ज़रूरी है अगर बार 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 बार, बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छा दूसरी चीज़ है अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज़ द इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज तो यहाँ पर भी हम क्या समझेंगे एंड यू हैव टू एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट ठीक है तो अब यहाँ पर भी आप देखो तो आपको ये वेरिएशन समझ में आएगा कि भाई कुछ सोशल वैल्यूज़ जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में हम उसमें कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि आज भी वो ट्रेडिशन मॉडर्निज्म के साथ कैसे इंटरलिंक होते हैं तो अगर आप मॉडर्निटी समझ रहे हो अगर आप ट्रेडिशन समझ रहे हो तो ही तो आप उनका इंटरलिंकेज बता पाओगे ठीक है कि क्या ट्रेडिशनल सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो उसके लिए आपको वो जो डाइवर्सिटी वाला पॉइंट था सिलेबस में आप यहाँ पे देखो कि हमारे फीचर्स क्या हैं या हम डाइवर्स कैसे हैं तो भाई ये समझ आएगा तभी तो आप उस पर जवाब दे पाओगे ना तभी तो आप रिलेट कर पाओगे कि वो वैल्यूज़ जो पहले से चल रहे होते थे वो क्या आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं या उसमें हमें ब्रेकेज देखने को मिला है सो so, क्वेश्चन तो खैर आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर पाते हैं बट कोई भी चीज जो कंटिन्यू हो रही है वो सेम पैटर्न में तो नहीं होती है देयर आर मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में आपको चेंज प्लस कंटिन्यूटी पे जवाब देना है ठीक है आपको दोनों चीजें साथ लेकर के चलनी है सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल कीप इन माइंड ये तो चलो ट्वेंटी वन का क्वेश्चन हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी में देखो चार क्वेश्चन पूछे हैं इस दो सेगमेंट को मिला करके अब हम ये समझते हैं अब यहाँ देखिए फिर से सिलेबस का इंटीग्रेशन दिखता है पहला कास्ट को लेके सीधे पूछ लिया है मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी में फिर से आ गया डाइवर्सिटी सेलियन फीचर्स एक्सेट्रा तो क्या आज के मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी में कास्ट ने अपना रेलिवेंस खो दिया ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एंड यू हैव टू एलेबोरेट योर आंसर्स विद द एलस्ट्रेशन तो क्या कास्ट ने अपनी वो आइडेंटिटी खो दी अपना रेलिवेंस खो दिया ये इनका सवाल है अब आपको पहले तो कास्ट का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और आपको आज के इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो मल्टी कल्चरल चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी जब ये दोनों समझ लोगे तभी तो क्लियर होगा ना कि इनको लिंकेज कैसे करेंगे अगर आप कहते हो कि हाँ रेलिवेंस खो दिया तो भी आपको एग्जाम्पल्स देने हैं अगर आप कहते हो आप नहीं खोया तो भी आपको एग्ज़ैम्पल देने हैं और आप दोनों में से कोई भी एक डोमेन को फिक्स करोगे आपको उसका काउंटर भी एज अ कंक्लूजन के ऊपर वाला जो पैराग्राफ में आप दे सकते हो या एज अ कंक्लूजन भी दे सकते हो तो फिर से दिखा हमें लिंकेज अगला क्वेश्चन गहरा है इज ए डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन योर आंसर अब देखो वापस से सिलेबस पे जाते हैं ठीक है वाई डू वी नीड टू रिविजिट द सिलेबस अगेन एंड अगेन ज दिसकेज इन्होंने क्या बोला है फीचर डाइवर्सिटी एटसेट्रा तो उस क्वेश्चन में भी डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म की बात की गई और उसके बाद आप देखो अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे अलग से टॉपिक्स हैं और इसको ये दोनों में से किसी के साथ भी लिंकेज कर देते हैं जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो हमने अभी जस्ट फिगर uh, आउट करने की कोशिश की यहाँ पर आप देखो वो आपको ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक कर रहे हैं सो so बेसिकली अगर मैं यहाँ भी आपको ब्रॉड करके दिखाऊँ ये दो सिलेबस का अलग अलग हिस्सा था जिसको इन्होंने लिंक करके एक क्वेश्चन पूछा है तो यू विल हैव टू बी फेमिलियर विद दिस आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग द सब टॉपिक्स ऑल्सो यू कड यू जस्ट कैनॉट गो अहेड विथ दी आइडिया कि अच्छा हमारे पास एक ही टॉपिक है और हमने सिर्फ डाइवर्सिटी की बात कर ली या हमने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली ये इसके ब्रॉडर पैरामीटर समझाएंगे इसके ब्रॉडर पैरामीटर समझाएंगे और फिर हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये आपस में लिंक्ड हैं जहां हम अंडर थ्रेड की बात कर रहे हैं ठीक है फिर अगला क्वेश्चन रीजनलिज्म पर है अभी हमने रीजनलिज्म को डिकोड नहीं किया है सो वी विल गेट बैक टू इट इन समाइम ठीक है Uh, जैसे आप यहाँ पे भी देखो ये जो एक और क्वेश्चन हमने कौन सा छोड़ा था सेक्युलरिज्म वाला तो अभी हमने इनको डिकोड नहीं किया है सो वी विल बी गेटिंग बैक टू दिस पॉइंट देन दे ऑल्सो टेल यू दैट द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस सप्रेस द रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योर एंटिज्म डू यू अग्री तो अब ये भी हमें देखना होगा कि क्या हम जैसे रीति रिवाज जो हैं जो भी परंपराएं हैं इन द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है क्या क्या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्या हम रुक रहे हैं कहीं ना कहीं तो फिर से आपको कल्चर ट्रेडिशन देखो ट्र, ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर के ऑलरेडी कितने टाइम इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मल्टीपल इयर्स में वन आफ्टी दी अदर पूछे हुए हैं तो आपको पहले तो उन कल्चर ट्रेडिशन के लिए क्या समझना पड़ेगा कि कितनी वेरिएशन है इंडियन सोसाइटी में क्या डाइवर्सिटी है क्या फ़ीचर्स है तभी तो रिलेट करोगे ना कि आज के समय में हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू विल हैव टू को अगेन ठीक है फर्दर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 2019 के और 2018 के मैंने पाँच साल का मार्जिन लेके चला है यहाँ पर अठारह उन्नीस बीस इक्कीस 22 ठीक है ताकि हम एक रफ आइडिया फाइव इयर्स के हिसाब से लगा लें यू कैन गो बैक टिल 2013 एंड जब 2023 वाला आ जाएगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे आप उस हिसाब से अपना देख लेना यहाँ पर क्वेश्चन कहता है वॉट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन स्टैंडिंग सस्टेनिंग इट्स कल्चर फिर से आ गया कल्चर पे क्वेश्चन तो भाई अगर हमें पता ही नहीं है कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में तो हाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द सस्टेनेंस द सेम लॉजिक गोस ठीक है देन ये वापस से सेक्युलरिज्म पे आएगा अभी जो कि हमने नहीं किया है वी विल डू दिस इन सम समटाइम फिर से देखो कल्चर पे क्वेश्चन पूछ दिया डू वी हैव द कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन एलाबोरेट विद एग्जाम्पल्स ये फिर डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि क्या हमारे पास इस तरीके से छोटे छोटे लघु भारत जैसे क्षेत्र हैं क्या सांस्कृतिक पूरे देश में यानी वो जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कल्चरल डोमेन्स हमको देखने को मिलते हैं एंड डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर अ हारमोनियस नेशन टुगेदर डाइवर्सिटी है एंड स्टिल वी आर यूनिफाइड इन द टर्म्स ऑफ कल्चर तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे देखो मोर और लेस क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे करके सिर्फ भाषा थोड़ी अलग हो रही है ये आपसे सिमिलर लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन इन सिमिलर लॉजिक को जवाब देने के लिए आपकी जो क्लैरिटी बनती है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है इसके लिए अच्छी रीडिंग्स देयर इज़ नो स्पेसिफ़िक मटेरियल दैट यू कैन यूज़ फॉर इंडियन सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ये आपको ध्यान देना है कि इसके लिए आपको बहुत ही यू नो करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी थोड़ा बहुत इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए आप स्टैंडर्ड uh, ट्वेल्थ uh, के सोशोलॉजी की जो एन है दो किताबें होती हैं आप उसको पढ़ सकते हो बेसिक सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट इलेवेंथ की किताब में कवर्ड है इंडियन सोसाइटी फोकस ट्वेल्थ में कवर्ड है लेकिन दैट जस्ट गिव्स यू अ रफ बैकग्राउंड लाइक कास्ट वगैरह वहाँ पर थोड़ा बहुत मैंशन है आप पढ़ लेना लेकिन द होल आइडिया इज की इट हैज़ टू बी क्योंकि दे आर आस्किंग यू टू रिलेट इट विद द हिस्टोरिकल थिंग्स इन द मॉडर्न प्रेजेंट कॉन्टेक्सट तो आपके पास वो रिलेशन होना चाहिए जहाँ पर आप पुराने से आज ले पाओ कनेक्शन यू नो द कनेक्टिंग द डॉट्स कर पाओ तो भाई उसके लिए पुराना हिस्ट्री पढ़े होंगे तभी पता लगेगा ठीक है नेशनल इंटरनेशनल थोड़ा चीज़ों को समझा होगा तभी तो इंडिया के केस में स्पेशल क्या है बता पाओगे अगर इंटरनेशनल पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा कि नेशनल के केस में क्या स्पेशल है सो दैट यू विल टेक केयर उसके बाद वापस से 2018 के कुछ क्वेश्चंस देखें तो वो फिर से देखो कह रहे हैं कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स हेंस कास्ट सिस्टम के नॉट बी इराडिकेटेड इन इंडिया वापस से कास्ट आ गया अभी आपको सिलेबस में दिखाया था डाइवर्स फीचर्स की जहाँ पे बात की थी हमने वी सो अबाउट द कास्ट सिस्टम ठीक है तो सेम इन्होंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो कास्ट को लेकर कास्ट में मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं तो हम ध्यान देंगे अच्छा सेक्युलरिज्म पर एक और आया है उससे आपको फिर समझ आ जाएगा सेक्युलरिज्म इज अन इम्पोर्टेंट टॉपिक वी विल सी टू दिस इन समाइम एंड देन वन क्वेश्चन ऑल्सो इज ऑन कम्युनलिज्म जो हमने अभी डिकॉर्ड नहीं किया है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग को डिकोड करने में ही आप देखोगे कि कितनी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कम्युनलिज्म रीजनलिज्म सेक्युलरिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट पे बेसिकली ये करना होता है ये तो एक मल्टीपल मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से डील हो जाएगा ठीक है ये वाला सेगमेंट हम देखेंगे फर्स्ट हमने देख लिया सो वी हैव डन द फर्स्ट वन अब हम ये वाला देखेंगे देखो इसमें क्या बोलते हैं तो हम एक एक करके इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं ओवरऑल पहले अब उन्होंने अगर मान लीजिए सोशल एम्पावरमेंट बोला है तो हम सोशल एम्पावरमेंट को पहले समझते हैं ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड uh, कर सकते हैं देखो लॉजिक लगाएंगे तो एक चीज़ हमें साथ में समझ ऐसे ही आ जाएगा कि अगर सोशल एम्पावरमेंट की बात हो रही है इसका मतलब समाज में कोई ग्रुप है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उतने एम्पावर नहीं हो पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए था तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जहाँ पर हमें एम्पावरमेंट uh, की ज़रूरत है ठीक है वनरेबल ग्रुप्स हमने समझ लिया अब वनरेबल ग्रुप्स के लिए सरकार क्या स्टेप्स लेकर आएगी कोई स्कीम लेकर आएगी है ना कोई एक्ट लेकर आएगी एटसेट्रा एटसेट्रा ये कुछ चीज़ें होंगी मान लीजिए इसी चीज़ में जुडिशरी का अगर कोई इंटरवेंशन रहा है तो क्या उनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट या जजमेंट्स रहे हैं जिससे लोगों के लिए वेलफेयर हुआ हो क्योंकि हमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का रोल देखना है तो ये इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आ गया इसमें जुडिशरी आ गया ठीक है ये हम समझ सकते हैं जब आप वनरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं तो क्या डिस्क्रिमिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी के चौथे पिलर को भी कंसिडर कर लेंगे इसमें मीडिया का क्या रोल रहा है क्या इस तरह चाहे वो सोशल मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी मीडिया हो मास मीडिया हो क्या इनके वजह से वनरेबल ग्रुप्स को एम्पावर होने में मदद मिल रही है या रुकावट आ रही है क्योंकि देखिए होता दोनों पहलू है तो दोनों ही देंगे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ दी पॉसिबल स्टेप्स और सजेशन्स ठीक है कि हम अफकोर्स हम अपने दिमाग से सिर्फ ऐसे नहीं लगा के बोल सकते अगर हमारे पास एक ऑथेंटिक रीडिंग है जो उस चीज़ को बैक करती है तो इट वुड बी अ बेटा वन और फिर इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कंसिडर कर लेंगे हम कास्ट पर बात करें मान लीजिए हमने कास्ट पर बात की हमने जेंडर पर बात की हमने रिलिजन पर बात की ठीक है हमने एथिनिटी पर बात की हमने मान लो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पे बात की हमने रिजर्वेशन पे बात की एटसेकट्रा एटसेट्रा ठीक है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होगी रिजर्वेशन आप मान लो जॉब को लेकर के बात कर लो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है हम इसके अंडर में जो कि आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी हम कवर कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा जो अगले कुछ और अच्छा और भी कुछ चीज़ें जैसे देखेंगे कि तो फिर ये जो सोशली डिसडवांटेज ग्रुप्स या वनरेबल ग्रुप्स हैं ये क्या हैं सोशल एम्पामेंट का कॉन्सेप्ट क्यों होता है ज़रूरी क्यों है एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है ना गुड एग्ज़ाम्पल्स विल एड योर थिंग अच्छा इसके अलावा अगला टॉपिक इन्होंने क्या दिया हुआ है कम्यूनलिज़म रीजनलिज्म सेक्युलरिज़म तो हम उसी में फर्दर uh, एक इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम थोड़ा कम्युनलिज्म वगैरह को उसके मतलब क्या क्या मेजर सब हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं उनको देखेंगे चलिए इसको समझते हैं सो so, सबसे पहले मान लीजिए हमने बात कर ली पे। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अगर ब्रॉडली समझेंगे सबसे पहले तो डेफिनेटली इसकी मीनिंग अंडरस्टैंडिंग ये सब हमको क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये सब क्या चीज़ें होती हैं तो हम इसकी मीनिंग या कॉन्सेप्ट जिसको कह सकते हैं ठीक है उस पर बात कर लेंगे उसके अलावा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर सकते हैं क्या होता है नहीं होता है हम हमारे पास हिस्टोरिकल क्या क्या एग्ज़ैम्पल्स रहे हैं इंसिडेंट्स जो आप कह सकते हो तो इंडिया के केस में हम यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एक्चुअली नेशनल इंटरनेशनल दोनों ले सकते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं कितना एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है क्या है ठीक है ऑफ कोर्स इसके हम कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज पे बात कर सकते हैं ठीक है स्टेप्स क्या लिया जा सकता है उस पर बात कर सकते हैं ठीक है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ अदर कॉन्सेप्ट लेट्स से जहाँ पर कि हम रिलीजन uh, से इसको रिलेट कर देते हैं ठीक है वो ऑलरेडी वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं बट यू नो पीपल एट टाइम्स टेंट टू जस्ट मिक्स अबाउट इट तो अगर आप क्या सेक्युलरिज्म को काउंटर करके कम्युनलिज्म से रिलेट कर सकते हो या नहीं उस पर बात कर सकते हैं अगर हम पी वाई क्यू देखें तो आप देखो कि कम्युनलिज्म पे जैसे ये एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है दो हज़ार अठारह ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रीवेशन ठीक है कि या तो सत्ता के लिए लड़ाई करेंगे लोग या तो उनको किसी चीज़ की कमी हो रही है एंड यू हैव टू गिव एग्जाम्पल दिस इज जस्ट वन ऑफ द एंगल्स तो जब आप कम्युनलिज्म के मल्टीपल फेसेस को पढ़ते हो तो ऑलरेडी यू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस एंड यू स्टार्ट गेटिंग दोज आंसर्स अगर हम बात कर ले मान लो रीजनलिज्म की क्योंकि कम्युनलिज्म रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म हमारे सब टॉपिक्स थे है ना तो इसमें भी देखो सेम आ जाएगा कि क्या क्या हम समझने की कोशिश करेंगे मान लीजिए हमने मीनिंग कॉन्सेप्ट की बात की है ना हमने कॉन्सेप्ट की बात की हमने मीनिंग की बात की हमने इसके फॉर्म्स की बात की हम अगेन नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स समझेंगे हम वापस से वही कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस समझेंगे इसमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सन ऑफ सॉइल थ्योरी ठीक है ये क्या चीज कहलाती है और फिर रीजनलिज्म को हम पॉलिटिक्स से भी रिलेट करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं रीजनल पार्टीज उनका क्या रोल है एट्सट्रा तो ये सारे फैक्टर्स हमें रीजनलिज्म में मदद कर सकते हैं बेसिस क्या होता है uh, क्या सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस के वजह से होता है या लोगों की माइंड होती है क्या धारणा है तो अफकोर्स इन सब चीज़ों में आपको प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ेंगे और कुछ अच्छे हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं तो वो भी दे सकते हैं फिर हम बात करते हैं मान लो सेक्युलरिज्म की इसमें तो फिर से देखो वही आ जाता है मीनिंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये सब तो आ ही जाएगा कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है इंडियन वर्सेस वेस्टर्न मॉडल तो इसको तो समझना ही है इसको साथ में लेके चल रहेंगे ठीक है इंडिया में क्या कंडीशन है उस पर बात कर लेंगे क्या नेचर एंड प्रैक्टिस है किस तरीके से चल रहा है उस पर देखेंगे जब ये सब बात करते हैं तो अभी सबसे डिबेटेबल मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उस पर बात कर सकते हैं सेक्युलरिज्म में जैसे हम मान लीजिए हमने प्रियाम्बल की बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं ठीक है ना कुछ स्टेप्स को लेके अब आप सेक्युलरिज्म पे जाओ और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो देखो कितने क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए थे एक तो ये लेटेस्ट 2022 में क्या पूछा है दैट आर टॉलरेंस एसेम्युलेशन ठीक है दो तीन की दिए गए हैं आर टॉलरेंस एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म तो भाई पहले तो पता होना चाहिए इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है पहले तो सेक्युलरिज्म क्या है फिर इंडियन फॉर्म क्या है और फिर इन तीन वर्ड्स का क्या मतलब है और क्या वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म करते हैं इन द मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ठीक है uh, तो ये एक चीज़ हो गई ये 2022 का क्वेश्चन है मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस क्योंकि सेक्युलरिज्म पे आया हुआ था तो जैसे हमने एक यहाँ पर देखा 2019 में व्हाट आर द चैलेंजेस टू आर कल्चरल प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म सीधा सीधा पूछा हुआ है कि हमारे कल्चरल प्रैक्टिसज में सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने मिलते हैं देन इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल कैसे डिफर करता है 2018 सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ तक कि ये तो एन के चैप्टर में दिया हुआ है क्लास इलेवेंथ की पॉलिटिकल साइंस की एक एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी करके उसमें साफ दिया हुआ है पूरा हेडिंग ही दिया हुआ है इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर दीज टॉपिक्स ठीक है ये तो अभी हमने दो सेगमेंट uh, की बात करी है हम एक और पार्ट लेकर आएंगे हम अगला वाला जो पार्ट है ना उस पर हम कुछ चीज़ें जो पार्ट टू होगा उसमें वो फर्दर जो सेगमेंट्स हमारे बचते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस देखते हो जस्ट शोइंग यू द सिलेबस वंस अगेन आप यहाँ पे देखो तो हमने ये फर्स्ट वाला कवर कर लिया है और हमने ये एम्पावर्मेंट वाला सारा कवर कर लिया है अब इन दो को बहुत ही ब्रॉड तरीके से बाईफ छोटे छोटे जैसे विमेन का अलग हो गया पॉपुलेशन अलग पॉवर्टी अलग अर्बनाइजेशन अलग ग्लोबलाइजेशन अलग तो ये फर्दर पाँच छः सब टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं तो इनको हम साथ लेके चलेंगे इन द कमिंग वीडियो ठीक है सो हम वहाँ पर देखेंगे एंड वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली हमारा जी एस वन खत्म हो जाएगा

ठीक है आई विल नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर टिल देन बाय बाय थैंक यू